अलैकुम, रोज न्यूज के साथ मैं हूँ फायसा मलिक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान 7 दिसंबर को पिंड दादर खान का दौरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान दौरे के दौरान जलालपुर खोशाब का संगे बुनियाद भी रखेंगे। मनसूबे पर 44 अरब रुपए लागत आएगी। वजीर आजम इस मौके पर अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन पहुंच के हसन और हुसैन नवाज की रिहाइश का एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में कायम। पार्क लैन पहुंचने पर दर्जनों लीग के कारकुनों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ आज हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में मुआयना कराएंगे, चंद रोज बाद अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ डॉक्टर अदनान और शहबाज शरीफ भी लंदन पहुंचे। परवाज ने रास्ते में कुछ देर दोहा में स्टॉप भी किया। आज नवाज शरीफ का डॉक्टर से पहला अपॉइंटमेंट है। दुआ करें कि नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल हो और वो वतन वापस आ जाएं। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सफर के दौरान नवाज शरीफ को तिब्बी इमदाद दी गई। हुसैन नवाज बोले, हमारी सबसे पहली तरजीह वालिद का इलाज है, ये जरूरी है कि उन्हें तमाम तिब्बी सहूलियात एक ही छत तले मिले। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि प्लेटलेट्स कम होने की वजह का जल्द मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ का पहला इलाज बरतानिया में ही होगा, लेकिन उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर इलाज के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अबू जहबी में मावन खसूसी सेहत जफर मिर्जा की विलगेट से मुलाकात। जफर मिर्जा ने इंसदाद पोलियो और हिफाजती टीका इजाद प्रोग्राम के तफसीलात से आगाह किया। मावन खसूसी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए मरबूत और जामा प्लान तश्कील दिया जाएगा।